गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू अन छुपी हूँ फैमिली व्लॉग। कैसे यार हैं आप सब लोग? आई होप आप अपने घरों में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सुबह की सबको राम राम, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो फ्रेंड, हमारे यहाँ हो रही है बारिश बहुत ज़्यादा वाली। कल शाम से, कल मॉर्निंग मैंने मस्त कपड़े किया धोए थे, सुबेरे कुछ 10:30 से 11 बजे के बीच, 1-1.5 बजे से बारिश शुरू थी और मैं कपड़े उठा ले, मेरे सारे कपड़े गीले नहीं हुए, बच गए। लेकिन वॉशिंग मशीन के सूखे थे तो कुछ हवा लगी तो सूख गए। रूम टेम्परेचर पे उसे रूम हीटर पे सुखा लिया, थोड़े बहुत गीले हैं, सूख जाएंगे 1-2 दिन। अंशु को, अंशु की ड्रेस थी गीली क्योंकि वो आज स्कूल नहीं गया, और अंशु को स्कूल भेजा भी नहीं क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी। सिर्फ घर में से स्कूल पीहू गई है क्योंकि उन्हें अपनी फाइल जमा करानी थी, मैथ्स का प्रोजेक्ट था, और अपनी भी लेके गई है, दिव्या की भी लेके गई है। दिव्या की तबीयत ठीक नहीं थी इस मारे उसे भी नहीं भेजा। दो छोटों वालों के इस मारे में बारिश हो रही थी। ये रे जनाब, यहाँ पर इस पे बैठा हूँ। गुड मॉर्निंग तो बोला करो फ्रेंड्स को। गुड मॉर्निंग। काम हो गया है सारा, सुबह के बज रहे हैं 11। झाड़ू पोछा कर दिया, बर्तन मांज दिए मैंने, आज वीरवार है, कपड़े धुलेंगे नहीं, वो मैंने कल वॉश कर दिए थे। नाश्ता पानी कर लिया, अब मैं काटूंगी साग क्योंकि कल था बुध बाजार, तो पीहू के पापा लेके आए थे साग। अब मैं काटूंगी साग, साग काटने के बाद निकालूंगी देसी घी क्योंकि घी मिलाई बहुत दिनों की जमा है, तो फिर ये काम करने वाली हूँ मैं। मम्मी के साथ मैं भी काटूंगा। नहीं वो मैं करूँ, चाकू से नहीं पर हाथ से काटूंगा। तो फ्रेंड्स मैं करूंगी थोड़ी देर बैठ के काम लग के, जब तक पीहू नहीं आ रही। आज शाम को बनेगा साग और रोटी। पीहू के पापा भी गए ऑफिस लेकिन बारिश थी, जीजा जी भी ऑफिस गए तब भी बारिश थी, हल्की थी लेकिन थी, लेकिन ऑफिस जाना था। पीहू के पापा तो छुट्टी कर ही नहीं सकते क्योंकि उनके साथ उनका हेल्पर कोई है नहीं, अकेले हैं, तो इसी मारे उनके लिए तो छुट्टी करना बिल्कुल नामुमकिन है। छोटा वाला साग अच्छा लगता है फ्रेंड, जिसे कहते हैं पीली सरसों, जो वो होता है ना बड़ा पत्तों वाला, उसे कहते हैं काली सरसों। साग तो देखने में ठीक ही लग रहा है लगभग। तो फ्रेंड साग तो सही है, 4 गड्ढी साग है, 1-2 गड्ढी बथुआ और 1 गड्ढी पालक है, और मैं इन सबको साफ करूंगी। और अंशु मुझे बदतमीजी दिखा रहा है। मम्मी मुझे निकालना है। साग कर चुका था मैंने, अकेले ने नहीं काटा है, मम्मी आ गई थी मेरी हेल्प करने। और यहाँ ये पानी है साफ जिससे मैं दोबारा धोऊंगी, पहले इसको मैं आर ओ वाली मतलब नॉर्मल हट जाओ पानी से धो दूंगी अच्छी तरह से, उसको नीचे की मिट्टी सारी निकल जाएगी। साग मैंने इसमें चढ़ा दिया सारा धो के, इसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्च डाल दिया। और यहाँ मैं करूँगी दूध का पतीला भी मांझना है क्योंकि इसमें दूध थोड़ा कम है, इसको पलट के इसको मांझ। तो फ्रेंड्स जो एक्स्ट्रा दूध था वो मैंने इसमें रख दिया है, अभी बाद में इसको गर्म करके चाय वगैरह बना लूँगी, अभी बर्तन मांझने हैं। और आज मैं निकालूंगी, आपको मैंने बताया था सुबह कि मेरे को दूध की क्रीम मतलब मिलाई का घी निकालना है, घी बिल्कुल ख़त्म हो गया था, थोड़ा सा ही बचा, आज आज रोटियों पे होगा नहीं। और जोत का घी मैं बाजार से ही लाती हूँ, उसमें ये वाला नहीं डालती, जोत के लिए नहीं निकालती क्योंकि ना कई बार ना फ्रेंड्स हम लोग ना चम्मच से, वैसे झूठा नहीं करते क्योंकि मिलाई कोई खाता नहीं, लेकिन चम्मच से ना जैसे कभी शाही पनीर या फिर मिलाई चाप या मिलाई पनीर होता है ना, उसमें डालने के लिए हमें चाहिए रहता है, तो उसमें निकाल लेते हैं। तो इसी मारे फिर मैं ये घी पूजा में यूज़ नहीं करती। और आज हमारा मिलाई का प्रोसेस अगर मैंने नहीं निकाला ना मिलाई से घी, तो आज डांट पड़ेगी शाम को पतिदेव की, क्योंकि कहते कल भी घी रोटियों में कम था, दाल में भी नहीं डाला उन्होंने, अंशु भी दाल चावल में घी डाल के ही खाता है, तो इसी हमारे आज तो निकालना पड़ेगा। फ्रेंड्स ये थी मेरी मिलाई और इससे अब निकलेगा घी, प्रोसेस ऐसे ही चलेगा, बाद में दिखाऊंगी जब निकल जाए। यहाँ पक रहा था हमारा दूध और यहाँ हमारी मिलाई, ठीक ठीक होता जा रहा है ये, बस अब ये छोड़ देगा घी और इसमें से जो दूध की मतलब पनीर कह लो, खीर कह लो या फिर कह लो कलाकंद, वो अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। ये देखिए ऊपर आ रहा है हल्का हल्का सा, ये देखिए साइड में आपको एक लाइनिंग दिख रही होगी, बस अब इसको जीरो पे इसको ऐसे ही चलाते रहना, वरना ये लग जाएगा तो ये हो जाएगा ब्राउन, इसमें महक आ जाएगी।
ठीक है। थोड़ी देर के लिए फ्रेंड्स आग नीचे उतार दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा सीटियाँ आ चुकी थी इसमें। आपके सामने है जो कुछ है, बिल्कुल घी निकल चुका है। पहले भी ऐसी निकालती थी, अब भी ऐसी निकालती हूँ। निकालने को तो मैं वो भी निकाल सकती हूँ क्या, मक्खन मिक्सी में ग्राइंडर करके, लेकिन नहीं, मैं पहले ग्राइंडर करूँ फिर उसमें कितना मिलाई खराब होती है, लग जाती है, और इसको बिल्कुल आप स्लो प्रोसेस पे करेंगे, बिल्कुल स्लो, वरना हमारा घी में कालापन आ सकता है, नीचे से लगेगा तो ब्लैक होने का डर होता है, फिर उसमें ब्राउनपन आ जाएगा तो वो थोड़ा कड़वाएगा और क्या करेगा, मतलब थोड़ा सा कड़वाएगा और साथ में महक भी। अगर आपने इसमें खुशबू लानी है तो आप इसमें कोई सा भी एसेंस डाल सकते हैं, नॉर्मल वनीला एसेंस डाल दीजिए, जो मेरे पास पड़ा होता है मैं थोड़ा सा डाल लेती हूँ, मेरे से महक नहीं आती। अब ये देखिए नीचे से लग रहा है, तो हम इसको बिल्कुल स्लो पे करेंगे, लग रहा है ना, इतना अच्छा हमारा घी निकल गया बिना मक्खन निकाले, मिलाई से निकाल लिया है हमने घी। देसी घी जो ये नीचे बैठ गया है, ये थोड़ा गरम पानी में साफ करूंगी सारे। और ये हमारा घी है, ये है मिलाई की जो रेशेज होते हैं, वैसे तो बिल्कुल जल जाते हैं लेकिन ये नीचे बैठ जाते हैं, इसे एक बार और छानूं, लेकिन मैं नहीं छानूंगी ऐसी रहने। एक तो इसकी छुट्टी करवा के मैंने जिंदगी अपनी खराब कर ली। पानी नहीं आ रहा है। चलो पानी, छुट्टी करवा के फ्रेंड्स मैंने तो अपने ऊपर कोई जंग, मैंने तो इसकी छुट्टी करवा के कोई लड़ाई को, किसी देश की लड़ाई को खुद न्योता दिया। क्या कर देगा? अच्छा वो तो सुना दे फिर आपको, जो मतलब बहुत अच्छी लगती है इसके मुंह से बोली हुई, आप भी सुनिए, हमसे सुनाना जो फ्रेंड्स को समझ आए। फ्रेंड्स पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसी कैसी बातें सीखता है, जाके दिखाओ, किचन में नहीं जाना वहाँ गैस है। चलो तो फाइनली फ्रेंड्स फिर से मैं एक बार किचन में आ गई हूँ, और अभी बज रहे हैं शाम के 7:30। दिन में खाना वाना खा के सो गए थे और उठी मैं बिल्कुल हूँ 6:30 सो के उठी, क्योंकि लेट ही 4 बजे थे सोए अंशु और मैं, दोनों 4 बजे सोए। 6 बजे उठी, फिर थोड़ी देर में पीहू चली गई थी ट्यूशन, उसको फिर ट्यूशन दोबारा मतलब मैम से उसका पूछने गई थी क्या प्रोग्रेस है, क्या कर रही है ट्यूशन में। उसके अलावा फिर आई, चाय वाय पी, और उसके बाद मैं किचन में आ गई, और किचन में मैंने अपना साग घोट दिया है। साग में मक्की के आटा डाल के घोट दिया, और ये है मक्की का आटा जो मैं खरीद के लेके आई थी 1 kg, और अभी घोट दिया है, और अब इसकी रोटियां बनाऊंगी मक्की, और अभी फिलहाल मैं तड़का के लिए प्याज वगैरह काटूंगी। आज बनेगा सरसों का साग मक्की की रोटी विद घी। प्याज डालूंगी तड़के के लिए, क्योंकि मैं साग में ज़्यादा प्याज डालती हूँ तो तड़का बहुत अच्छा लगता है। टमाटर मैं 1 time में डालती, जब जो साग बचता है ना उसमें, जो बाद में नेक्स्ट डे खाया जाता है उसमें टमाटर डाल रही हूँ, लेकिन 8 टमाटर डालूंगी क्योंकि इतना साग नहीं है कि नेक्स्ट डे के लिए भी हो जाए। तो फ्रेंड्स ये मैं गूंद रही थी मक्की का आटा, थोड़ा मिस किया है इसमें मैंने घर का आटा, क्योंकि से मतलब प्योर मक्की के आटे की रोटी पीऊ के पापा को भी नहीं अच्छी लगती, मुझे भी नहीं और बच्चों को भी नहीं। तो फिर मम्मी ने तो कहा था मैं मक्की के आटे की बना दूंगी, लेकिन मम्मी, फिर मैंने कहा मम्मी खाएंगे नहीं, और उधर मेरा साग हो रहा है, देखा आपने, साग में मैंने दे दिया है तड़का, हमारा हो गया साग तैयार। तो फ्रेंड्स साग और मक्की की रोटी सबको मैंने खाना खिला दिया था, पहले पीहू के पापा ने खाया, फिर पीहू ने खाया, फिर पहले सबसे पहले मम्मी को खिलाया, फिर पीहू के पापा ने और अंशु ने, उसके बाद
पीहू ने और उसके बाद अब मैं खा रही हूँ। और मेरे को मेरी सासू माँ ने खिलाया, मैंने सबको खिलाया, उसके बाद मेरी सासू माँ ने मुझे खिलाया। तो फ्रेंड्स, सरसों का साग और मक्की की रोटी बहुत टेस्टी बनी है, मतलब इतनी टेस्टी आपको मैं बता ही नहीं सकती हूँ। बच्चों को हमने भी चक चक भर के खाया है, मैंने भी चक चक के खाया, एक एक रोटी हम सब ने एक्स्ट्रा ही खा ली है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा बनाया हुआ साग अच्छा लगा हो और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। तो फ्रेंड्स, बाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय। नमस्ते।